ओम छोटा राजू ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उसका दावा है कि मुंबई के पुलिस कर्मियों में दाऊद के दोस्त भी शामिल हैं, जिनसे उसे बड़ा खतरा है। राजन को बाली से आज भारत लाया जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से अब इसमें देरी होगी। छोटा राजन को इंडोनेशिया से हिंदुस्तान लाने का प्लान बदल गया है। बाली के पास आसमान में ज्वालामुखी के धुएं और राख की वजह से उसे लेकर भारत आने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन छोटा राजन को भारत लाने की राह में इसके सिवाय कोई और मुश्किल नहीं। हालांकि इस बात पर अब भी सस्पेंस कायम है कि छोटा राजन को सीधे मुंबई लाया जाएगा या फिर उसे दिल्ली में रखा जाएगा। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑफ कैमरा कहा है कि छोटा राजन को मुंबई लाया जाएगा। सूत्रों की माने यहां राजन को बेहद कड़ी सुरक्षा वाले आर्थर रोड जेल के उसी अंडा सेल में रखा जाएगा जहां कसाब को रखा गया था। हम लोग दो तीन एवेन्यूज को एग्जामिन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो सुरक्षित हम लोगों को लगेगा उस जगह के ऊपर फैसला करेंगे। जैसे बोला ना, सीबीआई को मालूम है कि उसको कहां कहां किस केस में देना है या किस चीज में वो इन्वॉल्व है। उनको वापस लाने के बाद वो खुद ही उसके बारे में एक फैसला करेंगे। हालांकि छोटा राजन खुद मुंबई नहीं आना चाहता। कब जा रहे हैं आप इंडिया? कब जाएंगे? कब जाएंगे भैया? बॉम्बे सब जाएंगे अपने। कब जाएंगे? इंडिया जाएंगे आप? बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है। हाँ हाँ। तो दिल्ली सरकार शुड बी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। अन्याय मुंबई में डर है। कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम, दाऊद से मिले पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले कुछ पुलिस। लेकिन मुंबई पुलिस के कमिश्नर छोटा राजन के इन आरोपों को एक अपराधी का बयान भर मान रहे हैं। उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। एज आई सेड, हम लोगों के हिसाब से द चार्टर इज वेरी क्लियर। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि छोटा राजन को मुंबई की आर्थर रोड जेल के जिस अंडा सेल में रखा जाना है, वहां लश्कर तैयबा का खुकार आतंकी जमीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल पहले से ही रह रहा है। ऐसे में डॉन को किस जगह पर रखना है, इसको लेकर मुंबई पुलिस खासी माथापच्ची कर रही है।